सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की टीम की ऐतिहासिक जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 54वां मुकाबला बेंगलोर और हैदराबाद की टीम के बीच में बेंगलोर में खेला गया। दोस्तों अब अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद हर बार की तरह आरसीबी की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में काफी ज्यादा खराब रही, क्योंकि हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और रिद्धिमान शाह ने आज मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने शुरू कर दी थी। दोस्तों हैदराबाद की टीम की तरफ से कप्तान केन विलियमसन की 70 तो वहीं विजय शंकर की 27 रनों की तूफानी पारी के चलते ही इस टीम ने आरसीबी की टीम को 176 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। इसके जवाब में आरसीबी की टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा खराब रही कि सबको यही लग रहा था कि आरसीबी की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले में हार जाएगी। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम के सबसे धुआंधार खिलाड़ी पार्थिव पटेल, जो कि फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, इस मुकाबले में पहले ओवर की तीसरी गेंद पर केवल 0 के स्कोर पर आउट हो गए। आरसीबी की टीम का बल्लेबाजी क्रम तो वहीं से लड़खड़ा चुका था, के बाद कप्तान विराट कोहली ने कुछ बड़े शॉट्स तो लगाए लेकिन फिर वह भी जल्दी अपना विकेट गवा बैठे। विराट कोहली ने 7 गेंदों का सामना करके अपनी पारी में महज 16 रन लगाए थे कि वह खलील अहमद का शिकार हो गए। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एबी डिविलियर्स जैसे धाकड़ बल्लेबाज को भी केवल 1 रन पर चलता कर दिया था। साथ ही मैदान पर अब आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे शिमरन हेटमायर और बल्लेबाज गुरकीरत सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि आज इन दोनों ने मुकाबले में इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई कि हैदराबाद की टीम के सभी खिलाड़ी इन दोनों ही खिलाड़ियों के आगे आज पानी भरते हुए नजर आए। दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले तो बड़ी समझदारी से अपने आप को क्रीज पर सेट किया और फिर बड़ी तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए ले गए। इस दौरान जहां हेटमायर ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया तो वहीं दूसरी तरफ गुरकीरत सिंह ने भी अर्धशतक पूरा करने में देरी नहीं दिखाई। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक हेटमायर अपनी पारी में 44 गेंदों का सामना करके ही 68 रन लगा चुके थे। इस दौरान उन्होंने 5 छक्के तो वहीं 4 जोरदार चौके भी मैदान में लगाए थे। दूसरी तरफ गुरकीरत सिंह भी 43 गेंदों का सामना करके 8 चौकों की मदद से 57 रन अपनी पारी में लगा चुके थे। इसके बाद अब आरसीबी की टीम को 20 गेंदों का सामना करके महज 26 रन चाहिए थे जीतने के लिए और यह टीम लगभग इस मुकाबले को 90% जीत ही चुकी थी। लेकिन दोस्तों मुकाबले का असली रोमांच तो जब बन गया जब मैदान में आगे चलकर हेटमायर और गुरकीरत सिंह अपना विकेट गवा बैठे। इसके बाद मैदान में बल्लेबाजी करने आए आरसीबी की टीम के इकलौते ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास कमाल न कर सके। साथ ही अब टीम की बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ गया था उमेश यादव और डी ग्रैंड होम के कंधों पर। आरसीबी की टीम को अंतिम ओवर में जीतने के लिए 6 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर खड़े थे उमेश यादव। टीम अपने साथ सबसे अहम विकेट गवा चुकी थी, ऐसे में कहीं न कहीं आरसीबी की टीम आसानी से इस मुकाबले को हार भी सकती थी। परंतु अंतिम ओवर की अगली 2 गेंदों पर जो उमेश यादव करने वाले थे उसकी कल्पना तो शायद एसआरएच के खिलाड़ियों ने कभी करी ही नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम की तरफ से अंतिम ओवर को डाल रहे गेंदबाज मोहम्मद नबी की पहली 2 गेंदों पर ही उमेश यादव ने 2 जोरदार ऐसे कवर ड्राइव शॉट खेले कि गेंद दोनों ही बार बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी और यह 2 तेज तर्रार चौके हो गए। आरसीबी की टीम 4 गेंदे शेष रहते इस हारे हुए मुकाबले में भी विजयी बन गई, जिसके बाद आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों व उनके फैंस का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों आपको बता दें कि पहले तो हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को 176 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, जिसके बाद मैदान में हेटमायर ने 75 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं गुरकीरत सिंह ने भी 65 रन लगाकर टीम को विजयी बना ही दिया था, लेकिन फिर वह भी अपना विकेट गवा बैठे। परंतु यहां पर तारीफ करनी होगी उमेश यादव की, क्योंकि जिस तरीके से हाई प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने चौके मारकर टीम को जिताया वह वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों आरसीबी की टीम के अंतिम पलों में इतने शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि आरसीबी की टीम 2020 के आईपीएल को जीत पाएगी या फिर नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।